नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए शुरू करते हैं आज की खबरें। श्रमदान दिवस पर थाना परिसर में साफ सफाई होती रही। इंस्पेक्टर मीरापुर दिनेश कुमार सिंह ने थाना परिसर की साफ सफाई की। इसके अलावा वहां पेड़ पौधों को साफ सुथरा किया गया। श्रमदान दिवस पर इंस्पेक्टर मीरापुर दिनेश कुमार सिंह ने बारी बारी से वहां के सभी पुलिस कर्मियों के साथ साफ सफाई की। जमीन पर बैठकर काम कर रहे इंस्पेक्टर साहब को देखकर उनके माथहात भी श्रमदान में जुट गए। इंस्पेक्टर मीरापुर दिनेश कुमार सिंह ने सभी को साथ लेकर थाना परिसर की साफ सफाई की। उन्होंने कहा कि सभी को इसी तरह मिलजुल कर काम करना चाहिए। उन्होंने वहां पर लगे पेड़ पौधों को साफ सुथरा किया। मुजफ्फरनगर के रामराज उर्फ समाना की नई बस्ती निवासी युवक गंग नहर में अपने पशु नहलाते समय डूब गया। सूचना पर पहुंची पुलिस पर ग्रामीणों द्वारा युवक की गंग नहर में तलाश की जा रही थी। रामराज उर्फ समाना की नई बस्ती निवासी नीरज पुत्र राज सिंह पशुपालन का कार्य करता था। रविवार की दोपहर वह अपने पशुओं को लेकर आलमपुर गंग नहर में नहलाने के लिए गया था। गंग नहर में पशुओं को नहलाते समय वह गहरे पानी में चला गया और गंग नहर में डूब गया। युवक को गंग नहर में डूबते देख नहर पटरी पर खड़े युवकों ने शोर मचाया और युवक को बचाने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन युवक गहरे पानी में समा गया। सूचना पर रामराज व बैसुमा पुलिस मौके पर पहुंची और युवक के परिजनों को मामले की जानकारी दी। युवक के डूबने की जानकारी पर परिजन सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। पुलिस पर ग्रामीणों ने गंग नहर में युवक की कई घंटे तक तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग पाया। युवक के गंग नहर में डूबने से उसके परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मुजफ्फरनगर के मीरापुर क्षेत्र के गांव भूमा के रास्ते की भूमि पर दीवार का निर्माण किए जाने की शिकायत मिलने पर भू राजस्व विभाग की टीम ने पुलिस को साथ लेकर अवैध कब्जे को ढहा दिया। भूमा गांव निवासी अरविंद त्यागी पुत्र मूलचंद त्यागी ने घर के निकट सरकारी रास्ते पर कब्जा करने की नीयत से दीवार का निर्माण कर लिया था, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने एसडीएम जयेंद्र सिंह से की थी, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने एसडीएम जयेंद्र कुमार से की। रविवार को एसडीएम के आदेश पर तहसीलदार संजय कुमार भू राजस्व टीम के साथ और मीरापुर जानसठ व थाने रामराज की पुलिस को साथ लेकर भूमा गांव पहुंचे तथा यहां पर किए गए अवैध निर्माण को पैमाइश करने के बाद बुलडोजर से ढहा दिया गया। पुलिस बल देखकर ग्रामीण इस दौरान सहम गए। रविवार की दोपहर में अचानक से गांव भूमा में भारी पुलिस बल देखकर ग्रामीण सहम उठे तथा गांव में बड़ी संख्या में पुलिस के पहुंचने का कारण पता करने के लिए एक दूसरे को फोन करते नजर आए।